जय हिंद। मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। पूरे विश्व में दहशत फैलाने के बाद कोरोना वायरस का भारत में प्रवेश हो चुका है। भारत में भी इसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। तारीफ करनी होगी केंद्र और राज्य सरकारों की कि वे प्रभावी कदम उठा रही है, जिसके कारण इसका जो नेगेटिव प्रभाव है, जो नकारात्मक दुष्प्रभाव है, वो अभी इतना नहीं फैला है, परंतु भविष्य में देखने की आवश्यकता है। WHO ने तारीफ जरूर कही है भारत सरकारों की, परंतु इसी के संदर्भ में, इसी की तरफ MTTV इंडिया भी कोरोना का जो प्रभाव है राज्य सरकार की, राज्य पे, राज्य के लोगों पे, देश के लोगों पे, अजमेर के लोगों पे, उस पर नज़र बनाए हुए हैं। CMO, PMO और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के द्वारा जो भी बातें कही जा रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, वह हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक तुरंत पहुँचाए, आपको जागरूक करते रहें। इसी संदर्भ में भी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भी एक अपना उस संबोधन दिया गया था राष्ट्र के नाम, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे साथ, मैं बताना चाहूँगा, हमारे साथ जो सहयोगी मौजूद है MTTV इंडिया के संपादक सुशील पाल और साथ ही हमारे एंकर कल्पित हरित, हम इनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है वर्तमान में भारत की और हमारे देश की, अजमेर की क्या स्थिति है, क्या क्या दिशा निर्देश अलग अलग संस्थाओं द्वारा, अलग अलग संस्थानों द्वारा, विभाग प्रमुखों द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं सुशील पाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपना देश के नाम भाषण दिया है और उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही है, एक विशेष शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, जनता कर्फ्यू का, आप थोड़ा बताइए उसके बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है और जो वैश्विक महामारी है उससे चिंता जताई है कि लोगों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि जो वैश्विक महामारी इस समय दुनिया में फैल रही है, ऐसा नहीं समझें कि भारत उससे अछूता है। भारत में संख्या जरूर कम है लेकिन भारत अछूता नहीं है। भारत में ये मामले बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और जनता कर्फ्यू का जो जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये स्पष्ट कहा है कि 22 मार्च की तारीख का जिक्र किया है, रविवार का दिन चुना है, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जनता कर्फ्यू पूरे देश में लगाया जाएगा और इसकी पालना देश के तमाम नागरिकों को करनी है, ये प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है। दो चीज़ों का और जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने, एक संकल्प, दूसरा संयम का, ये दो चीज़ों का जिक्र किया है और इसको मानने के लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है। मुझे लगता है कि देश को ये मानना भी चाहिए। संकल्प और संयम में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, ये जो बात प्रधानमंत्री ने कही है ये देश को समझनी चाहिए, महसूस करनी चाहिए, माननी चाहिए कि, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये पहली आवश्यकता है देश की। उसके साथ में संयम की एक उन्होंने बात की है जिसमें उन्होंने कहा है कि भीड़ से बचें, घर से बाहर ना निकले लोग अपने बेवजह, बहुत आवश्यक काम हो, बहुत ज़्यादा आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा नहीं निकले। सबसे खास बात है 60 से 65 की उम्र के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकलें, घर पर ही रहें। और जनता कर्फ्यू, लोगों को आज बड़ी उम्मीद थी ललित की, आज शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे, बहुत बड़ा फैसला करेंगे, लॉकडाउन कंट्री को कर देंगे, लेकिन ऐसा लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आज नहीं है हमारे देश के अंदर। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता खुद इसको मानेगी, खुद लगाएगी, ये जनता कर्फ्यू एक तरीके का ऐलान, नाम दिया है प्रधानमंत्री ने। और ये जो स्थिति इस समय वैश्विक महामारी की देश में बनी हुई है, ये तकरीबन 100 साल बाद, 102, 105, 122 साल बाद की स्थिति ये देश के अंदर इस वक्त बनी हुई है। और उन्होंने पूरे देश से ये निवेदन किया है, उन्होंने कोई ऑर्डर की तरह से इस बात को नहीं किया है, लोगों से रिक्वेस्ट की है उन्होंने देश की जनता से कि वो इस चीज़ को माने। खासतौर पर जो लोग इस समय डॉक्टर हैं, रेल सेवाएं दे रहे हैं अपनी, रेल कर्मी हैं, पुलिस के जो लोग हैं हमारे, प्रशासनिक अधिकारी हैं, खास बात मीडिया का आज उन्होंने जिक्र किया, इन तमाम लोगों का एक तरीके से जो कर्तव्य की पालना इस वक्त कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। कोरोना का वायरस जगह जगह फैला हुआ है लेकिन आप आज अपनी ड्यूटी, सूचनाओं को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो इस बात का जिक्र उन्होंने आज किया है। और उन्होंने ये बात कहा है कि जनता कर्फ्यू जिस दिन लगाया जाएगा उस दिन ठीक शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए लोग अपने बालकनी में, घर के बाहर, दरवाजे पर, चौक के अंदर,
सीटी बजाएंगे, थाली बजाएंगे, हाथ से क्लैपिंग करेंगे, तालियां बजाएंगे, इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो सेवा परमो धर्म का नारा है एक तरीके का, उसको जो तमाम लोग इस समय युद्ध के हालात से निपटने के लिए फॉलो कर रहे हैं, हमारे सेना के जवान हैं, हमारे डॉक्टर हैं, हमारे पुलिस के जवान हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे मीडिया के तमाम साथी हैं, जो इतनी वैश्विक महामारी में इस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों के लिए सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, उनके लिए कहा है कि उनके कर्तव्यों को सम्मान के तौर पर जब जनता कर्फ्यू लगे तो ठीक शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए उन लोगों को किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली है। कल्पित, मैं पूछना चाहूँगा कि जनता कर्फ्यू की बात की गई है, जनता कर्फ्यू जैसे पहले ऐसा माना जा रहा था कि लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है, परंतु उतनी उस स्थिति तक ना जाके इन्होंने एक जनता कर्फ्यू की बात कही कि लोग अपनी खुद की जिम्मेदारी समझे, तो आपका क्या कहना है इस चीज़ पे कि लोगों को क्या ये जो जनता कर्फ्यू लगाने का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि जो आम जनता है वो एकदम खौफ में ना आए और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस जो स्थिति है इसका सामना करे? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनने कई मौक़ों पे हमें ऐसा देखने को मिला है कि वो चीज़ों को जन आंदोलन के रूप में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक अपन 2014 की बात करें तो स्वच्छता को भी उनने एक जन आंदोलन बना दिया था, तो इसी तरह वो इस महामारी में भी जनता को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं ऑर्डर देता हूँ, हम सख्ती से ऐसा करेंगे, वो चाह रहे हैं कि जनता अपने तरीके से खुद ही इस चीज़ को फॉलो करे, इसलिए एक निवेदन के तौर पे चीज़ों को प्रस्तुत किया गया है। आज जब मैंने उनका पूरा भाषण नोट किया तो एक सीक्वेंस उनके पूरे संबोधन में था, उनने शुरुआत प्रस्तावना बनाते हुए करी कि कैसे कैसे प्रथम विश्व युद्ध का उनने जिक्र किया कि उससे ज़्यादा बड़ी महामारी है, उसके बाद उनने एक चीज़ का और जिक्र किया कि इसकी वैक्सीन नहीं है, मतलब वो बता रहे हैं कि किस वजहों से हम ये प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं, इसका जिक्र उनने किया। उसके बाद उनने बताया कि जो और देश हैं उनसे हमने ये सीखा है कि वहाँ पे शुरुआत में इस बीमारी को ज़्यादा हल्के में लिया गया और उसके बाद तुरंत विस्फोट हुआ, हम अभी जिस लेवल पे हैं वहाँ हमारे देश में विस्फोट नहीं हुआ है, तो विस्फोट होने से पहले ही अगर हम रोक लें, प्रिकॉशन जो है वो बेटर होती है हमेशा, तो इसीलिए तैयारियों के तौर पर उन्होंने एक लॉकडाउन, मुझे ऐसा लगता है हो सकता है एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर भी उस लॉकडाउन को 23 तारीख वाली 22 तारीख का जो जिक्र है उसको देखा जाए कि हम उस चीज को परस्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज बताई गई प्रधानमंत्री द्वारा, उसमें एक था इकोनॉमिक कमेटी जो बनाई गई है, रेस्पॉन्स टास्क फोर्स, जिसके मार्फत हम ये देखेंगे कि हमारा जो निम्न वर्ग है और निम्न वर्ग से मध्यम से कुछ ऊपर वाला जो वर्ग है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि छुट्टियां आप कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करो, पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो निचला तबका है, उसके लिए प्रतिदिन छुट्टी लेना इतनी आसान बात नहीं है। तो अर्थव्यवस्था के तौर पर भी इस चीज को कैसे देखा जाए, बीमारी एकदम से विस्फोट ना कर जाए उस चीज को कैसे देखा जाए, और जनता को साथ लेके कैसा चला जाए, इस तीनों का कॉम्बिनेशन बना के आज उनका जो भाषण था उस तौर पे उसे देखा जाना चाहिए। इकोनॉमिक रिस्पॉन्स जो फोर्स की बात करी इन्होंने, तो आपको क्या लगता है कि इसमें आगे जाके क्या इसके द्वारा क्या कार्य किए जाएंगे, किस तरह की स्थिति होने वाली है? देखिए, मुझे थोड़ा सा प्रधानमंत्री के भाषण में आज एक बात लगी कि जो अपील उन्होंने की शायद उसके ऊपर देश अभी तैयार नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देश में 2008 की जैसी स्थिति बनी हुई है, अर्थव्यवस्था बहुत डाउन है इस समय, इकोनॉमी हमारी उस तरीके से मजबूती के साथ में नहीं खड़ी हुई है। तो प्रधानमंत्री ने जो जिस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि COVID-19 इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स ये हमने एक गठित की है, जो आगामी आने वाले दिनों में आवश्यक फैसले लेगी इकोनॉमी से जुड़े हुए। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज ही इंडिगो ने, स्पाइसजेट ने, एयर इंडिया ने, ये तमाम वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने जो एम्प्लॉय हैं उनके 25% सैलरी कट की है। एक तरफ प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है कि व्यापारी जगत और उच्च आय वर्ग से उन्होंने इस बात का इसी के से संबंधित में जिक्र किया है कि जो कर्मचारी जो सेवाएं दे रहे हैं उनके संस्थानों के अंदर उनका वेतन ना काटे। लेकिन ऐसा अभी की सिचुएशन में मुझे लगता है कि ये जो बात प्रधानमंत्री की एक है, इसको शायद देश अभी
एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। और जैसा कल्पित ने कहा, मुझे इसमें थोड़ी आपत्ति है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने हर बार देखा है प्रधानमंत्री की अपील का असर होता है, जनता उसे नॉर्मल वे में नहीं लेती। मैं मानता हूं कि जो 22 तारीख को उनने जनता कर्फ्यू का जिक्र किया है, जनता उसे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लेके उसको फॉलो करेगी। लेकिन मैं इनकी बात से इस वजह से समर्थन कर सकता हूं कि ये स्थिति आप एक दिन दो दिन कर सकते हैं, पर एक या दो दिन से ज्यादा आप निम्न वर्ग को किस तरह रोक पाएंगे कि आप वो अपने काम पे मत जाइए? उसके लिए क्या व्यवस्था है कि उनका काम चलेगा कैसे अगर वो काम पे ही नहीं जाएंगे? तो मैं सोचता हूं कि एक दो दिन ठीक है, जैसे एक दिन का लॉकडाउन उन्होंने बोला, बट आगे ये स्थिति को परस्यू करना, ये वास्तव में थोड़ी कठिन बात। तो क्या ये जो इकोनॉमिक टास्क फोर्स है, ये इसीलिए गठित की गई है कि इस तरह के जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं या निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनकी स्थिति एकदम खराब ना हो? क्योंकि जब अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब वो लोग बाहर काम पे नहीं जा पाएंगे, दिहाड़ी मजदूर काम पे नहीं जा पाएंगे, तो क्या ये जो टास्क फोर्स है उसी स्थिति को काबू करने के लिए बनाई जा रही है ऐसा कुछ? देखिए, एक रिपोर्ट अभी कुछ एक दिन से चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं उन लोगों को 75,000 रुपये मासिक दिया जाएगा। हमारा देश ऐसी स्थिति में नहीं है, इतना मजबूत नहीं है कि हमारे यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट किसी के खाते में डाल दिया जाए, ठीक है। लेकिन जो मजदूर वर्ग है, जैसे यूपी की सरकार ने किया या यूपी के सीएम ने एक ऐलान किया कि हमारा जो वित्त मंत्रालय है वो अभी तैयारी कर रहा है कि हम जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, है ना, जिनके जैसे कि मजदूर डायरियाँ जिनकी बनी हुई होती है, उनके खाते में हम सीधे पैसा एक न्यूनतम दर तय करेंगे और उनके खाते में हम सीधे डालेंगे। ऐसी राशि मुझे लगता है कि उनके खाते में जो डालना चाहिए। अपना जो वायरस है, जो ये बीमारी है, इसकी वजह से दो स्तर पर इनको तैयारी करनी पड़ेगी। एक तो इकोनॉमिक स्तर पर भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अपील करी आज कि लोगों का वेतन ना काटें, लेकिन ये नैतिकता के आधार पर आर्थिक चीजें नैतिकता से मैं कह रहा हूँ उस चीज़ के लिए हमारा देश अभी तैयार नहीं है, क्योंकि देश में हालात अर्थव्यवस्था के मामले में भी बहुत बुरी स्थिति से आज गुजर रहे हैं। किसी भी तरीके से आप देखिए, जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि एयरलाइन कंपनियों ने किस तरीके से 25% का वेतन अपने कटौती की है। वर्क फ्रॉम होम, शेयर बाजार की स्थिति ऐसी है कि 3 दिन से हाहाकार मचा हुआ है। दूसरी देशों की तरह हमारे देश में भी जो लोग शेयर बाजार के अंदर खरीदते हैं, रोज बेचते हैं और खरीदते हैं, वो लोगों का कहना है कि भाई 2 दिन के लिए शेयर बाजार को होल्ड कर दिया जाए, रोक दिया जाए, सेलिंग ना हो, खरीदारी ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। और एक बात और है कि प्रधानमंत्री ने जैसे कि नवरात्रे का जिक्र किया तो उसमें 9 बड़ी बड़ी जो बातें निकल के आ रही हैं, क्योंकि लोग उस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, 9 आग्रह प्रधानमंत्री ने किए, जिसमें से पहला आग्रह प्रधानमंत्री ने किया कि प्रत्येक भारतवासी सजग रहे, सतर्क रहे और आने वाले कुछ सप्ताह तक जब बहुत ज़रूरी ना हो अपने घर से बाहर ना निकले। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 60 से 65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति घर के भीतर ही रहें, उनके लिए महत्वपूर्ण जोर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तीसरी बात, इस रविवार यानी कि 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करें। चौथी बात, दूसरों की सेवा कर रहे लोगों का 22 मार्च की शाम को 5 बजे 5 मिनट तक करतल दवनी के साथ आभार व्यक्त करें, एक तरीके से आभार के तौर पर लिया उसको। पांचवा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लोग हम देख रहे हैं अस्पतालों में अनावश्यक बहुत लाइन लगी है, खांसी जुकाम नॉर्मल जो इस समय क्योंकि मौसम हमारा ऐसा है वो भी हो रहा है तो लोग अस्पताल जा रहे हैं, तो उसमें ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जाने से फिलहाल आप बचें, और जो सर्जरी बहुत आवश्यक ना हो उसकी तारीख भी 1 महीने बाद की ले लें। इस बात की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील की है। छठा महत्वपूर्ण बात कि वित्त मंत्री के नेतृत्व में गठित COVID-19 इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स से आवश्यक फैसले लेने का आग्रह किया है उन्होंने। सातवां पॉइंट, उन्होंने बताया है कि व्यापारिक जगत से, उच्च आय वर्ग से दूसरों का वेतन ना काटने का आग्रह, जिसका मैंने जिक्र किया कि ये मुझे लगता नहीं है थोड़ा सा कि ये देश इस तरीके से एक्सेप्ट कर पाएगा इस बात को। आठवां पॉइंट, देशवासियों से सामान संग्रह ना करने, पैनिक बाइंग ना करने का आग्रह, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जब हम चर्चा कर रहे थे उससे पहले भी आपके फोन पे एक तस्वीर हमने देखी थी। जी, वो डीमार्ट अजमेर की तस्वीर थी जिसमें इस समय 100 लोग बाहर खड़े हुए हैं, 1-1 मीटर की दूरी डिस्टेंस बनाकर लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम ईटीएम के बाहर खड़े थे, ऐसी स्थिति इस समय हो गई। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है इस देश में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लोगों को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। सुबह से हम लगे हुए हैं, सुबह से हम देख रहे हैं कि अजमेर के जो स्टोर्स हैं उन स्टोरों के ऊपर, डीमार्ट हुआ, रिलायंस हुआ, इन स्टोरों के ऊपर भारी भीड़ लगी हुई है, लोग जा रहे हैं जैसे कि शायद 15 दिन तक सिटी काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं है।
यहाँ पर खाने की, पीने की, दूध की जो आवश्यकता है, सब्जियाँ हैं, इसकी कोई कमी नहीं है। और हमारे यहाँ पर जब देश सबसे ज़्यादा विकासशील, दुनिया में सबसे ज़्यादा चुनौतियों के साथ निकल कर उभर कर आने वाला देश हमारा है, ऐसे में जो होम डिलीवरी सिस्टम है वो हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस तरीके से जाना चाहिए। ये प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी आश्वासन दिया है, इस चीज को लेके कि आप डरे नहीं, हम हमारे पास स्टॉक में कोई कमी नहीं है। जैसे अजमेर में मैं खुद पर्सनल समस्या बताऊं तो सैनिटाइजर आजकल बिल्कुल भी बंद हो गए मिलना, और उसका एक उन्होंने एक बहुत चल रहा है कि आप घर में ही सैनिटाइजर बना लीजिए, ऐसा कुछ अपने भी एमपीटी इंडिया पे खबर चली है ऐसी। नहीं, वो वाली चीज तो बताई गई है कि किस तरह से बनाया जा सकता है, क्योंकि वास्तव में उपयोग में आने वाली चीजों में इसको शामिल कर लिया गया है। एक तो मास्क और सैनिटाइजर, इसको असेंशियल कमोडिटी में गवर्नमेंट ने शामिल किया है, जिनकी मनमानी तरीके से रेट भी नहीं बढ़ाई जा सकती, उसके बाद भी कमी है। तो इसको लेकर जो चल रहा है कि प्राकृतिक तरीके से भी आप घर में बना सकते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। जब बाजार में उपलब्धता कम है तो आप खुद बना के भी यूज कर सकते हैं, और वास्तव में इसकी जरूरत भी शायद मुझे नहीं लगता है, क्योंकि घरों में तो सोप से हाथ धोना बेटर बताया गया है। के बारे में बोला गया है कि साबुन से 20 सेकंड अपने हाथ धो लीजिए, तो वो अफवाहों का एग्जांपल। हाँ, ये शायद अफवाहें हैं कि मतलब फैल रही थी थोड़ा, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि भाई मीडिया की सक्रियता बहुत आवश्यक है, और इसीलिए आप और हम यहाँ बैठकर और हमारे तमाम देश के मीडिया जो कि साथी हैं जो जाकर काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझाना भी कि ऐसी अफवाहों के ऊपर हम रोकथाम लगा सकें, ऐसी अफवाहों पर हम कर जाए। प्रधानमंत्री ने भी वही कोशिश की है कि ऐसा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है देश के किसी भी लोगों को, आमजन को, कि भाई सैनिटाइज़र नहीं है तो उसके लिए आप ज़बरदस्ती कुछ भी किसी भी हद तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग सामान खरीदने के लिए सब्जियों की हालत ऐसी हो गई है, फलों की हालत, टोकरे की टोकरियाँ लोग खाली करे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति इस देश की नहीं है। ये बात को प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने आज आश्वस्त किया है, और लोगों को उनकी इस बात को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपील के तौर पर मुझे लगता है लेनी चाहिए, क्योंकि आज हम जो सुबह हमने तस्वीर देखी है, पुलिस को डीमार्ट जाना पड़ा, समझाइश करनी पड़ी, देखिए पैनिक की स्थिति यहीं से पैदा होती है, कोरोना वायरस तभी फैलता है। आज एक रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है जिसमें इस बात का भी जिक्र है कि हवा से भी कोरोना वायरस फैलता है, तो ऐसे में जब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं इस तरीके से ग्रोसरी स्टोर के ऊपर चीज़ों को हाथ लगाते हैं हम, तो वहां से फैलने का बड़ा डर रहता है, तो मुझे लगता है कि लोगों को बचना चाहिए, उससे अवॉइड करना चाहिए। इस समस्या का मतलब कैसे समाधान, क्योंकि जैसे आज भी हम प्रधानमंत्री जी ने शुरू में जिक्र किया कि वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इलाज है, जब हम ऐसी चीजों का बार बार जिक्र करेंगे तो यही एक आम व्यक्ति के समझ में यही आता है कि जब है ही नहीं तो हम किस दिशा में जा रहे हैं, शायद यही कारण है कि उसको कोई। Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहां है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9. लिमिट नहीं दिख रही कि हमको कितने दिन का लॉकडाउन है या कितने दिन तक हमें रुकना पड़ेगा, इस वजह से शायद ये स्थिति बनी है कि वो ये सोच रहे हैं कि चीजों को इकट्ठा करके रख लें ताकि जाना ना पड़े। मुझे लगता है यही है, इसको कैसे तोड़ा जाए, मुझे लगता है देश में अभी वो स्थिति नहीं बता रहा हूँ, मैं ये हल नहीं बता रहा, मैं एक समस्या बता रहा हूँ, ये मैं तो उल्टा सही पैनलिस्ट होकर आपसे पूछ रहा हूँ कि शायद ये समस्या है, इसके लिए वो पैनिक ना हो, इसका क्या समाधान है कि वो क्या सोचे। देखिए, जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है हमारा, वो पूरी तरीके से आश्वस्त है इस चीज़ को लेकर, और हमारे देश में अभी ये स्थिति नहीं है कि एक आम नागरिक की पड़ोसी की बिल्कुल भी मदद ना करता हो, ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं है। आज आपके घर में अगर चीनी खत्म हो जाती है तो आप पड़ोसी से मांगने आज भी जा सकते हैं, हमारे यहाँ पर ये स्थिति नहीं है। भारत के संस्कार, भारत की जो परंपराएं हैं वो बहुत अलग है, और उसी चीज को जैसे कि नमस्ते आज पूरी दुनिया अपना रही है इस बात को लेकर। शायद कि जो हमें यही प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा था कि बाकी विश्व में जो फैल रहा है, और WHO ने खुद ने तारीफ करी है भारत की सरकार की और राज्य सरकारों की भी, कि बहुत हद तक इस स्थिति पे कंट्रोल करे हुए हैं अभी तक, तो कम से कम, तो क्या यही कारण है भारतीय संस्कार जिसके बारे में बात कही जा रही है, हाथ जो वेज जो अपन को शाकाहार की बात कही गई थी, नमस्कार करने की बात की गई थी, ये कुछ जो जरूरी चीजें हैं, बाकी हम बातों के बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये क्या ये चीजें हैं जिसके कारण हमारी अभी तो स्थिति है थोड़ी नॉर्मल है, थोड़ी कंट्रोल में है। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ चीजें हमारी संस्कृति और परंपराओं के अंदर ऐसी हैं जिसने इस समय हमें पैनिक वाली सिचुएशन में लाके नहीं छोड़ा है, है ना। मुझे लगता है कि अगर मेरे घर में आटा खत्म हो जाता तो मुझे लगता है कि पड़ोसी देने के लिए हमेशा से तैयार है, इतना मजबूत हमारा देश है। ऐसे में जो लोग ग्रोसरी स्टोर पर जाकर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं,
उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है, उनसे ही हमारे तमाम लोगों की अपील है, उनसे ही प्रशासनिक अधिकारियों की अपील है कि भैया पैनिक ना हो, ना जाएं, आप एक फ़ोन के ऊपर भी सामान मंगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी दुकानें हमारे शहर में भी है, हमारे राजस्थान के अंदर भी हैं, तो पैनिक होने की बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं है किसी भी प्रकार से। अच्छा, एक बात और, आज शाम को भी मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा भी बैठक ली गई है, उसमें भी कुछ बातें कही गई है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बैठक सीएमओ के अंदर ली, वो बैक टू बैक राज्य सरकार हमारी बैठकों को ले रही है। रघु शर्मा उसके अंदर शामिल हैं, हमारे पूरे प्रशासनिक अधिकारी उसके अंदर शामिल हैं, और आज बैठक के अंदर, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की जो परीक्षा है, सीबीएसई की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था कल शाम को, लेकिन राजस्थान बोर्ड के लेकर थोड़ा सा संशय बरकरार था। राजस्थान बोर्ड उस तरीके से परीक्षा को निरस्त नहीं कर रहा था, देरी हो रही थी, सुबह हमने कई सवाल भी खड़े किए इसके ऊपर, और उसके बाद में जब राज्य सरकार की बैठक हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में बैठक हुई, तो उस दौरान सरकार ने फैसला लिया कि राजस्थान बोर्ड की भी परीक्षाएं तमाम निरस्त कर दी जाती हैं। एमडीएस यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं थी उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे, वो भी निरस्त कर दी गई है। इसके साथ साथ एक बात सरकार ने एक घोषणा की है कि 14 विभागों का जिक्र किया है, इन 14 विभागों की छुट्टी नहीं होगी। यहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको तुरंत प्रभाव से, वो जहाँ पर भी हैं, वापस बुला लिया गया है, उनकी छुट्टियाँ निरस्त कर दी गई हैं, और उनको अपना जो उनका हेड ऑफिस है वो छोड़ने से उनको मना कर दिया। मैं विभागों का जिक्र भी आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से 14 वो विभाग हैं जो लोग नहीं छोड़ सकते हैं, जिसमें पहला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, दूसरा चिकित्सा शिक्षा विभाग है, तीसरा आयुर्वेद विभाग है, चौथा ऊर्जा विभाग, और उसके साथ के जो समस्त निगम के विभाग हैं वो सभी उसके अंदर शामिल हैं, पांचवा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ये भी इसमें शामिल किया गया, छठा स्वायत्त शासन विभाग, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाएँ, इनको भी किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं है, सातवां गृह विभाग, पुलिस, कारागार, गृह सुरक्षा, FSL और ये शामिल है इसके अंदर, आठवां वित्त विभाग, नवा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, और आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि किसी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दसवां पंचायती राज, पंचायत स्तर तक पहुंचने के लिए पंचायती राज विभाग सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए उसकी भी छुट्टी नहीं रही है। ग्यारहवां सूचना एवं प्रौद्योगिकी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गवर्नमेंट को करनी होती है, सूचनाएं तुरंत पहुंचानी होती है, तो उसके लिए DIT की भी छुट्टी नहीं रखी है। कार्मिक विभाग, आवश्यक शाखाएँ जितनी भी कार्मिक विभाग की हैं, उन सबको भी कोई छुट्टी नहीं है उनकी। परिवहन विभाग, मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं अन्य शहरी बस निगम, इनको भी शटडाउन, इनका भी नहीं है किसी प्रकार से, इनको भी किसी प्रकार से कोई छुट्टी नहीं है। और जो सबसे आखिरी 14वां है वो जयपुर मेट्रो को यहाँ पर बंद नहीं किया गया है, जयपुर मेट्रो यहाँ पर संचालित रहेगी। और उसके साथ साथ 50% जो कार्मिक है दूसरे कार्यालयों के अलग अलग जो 14 के अलावा रह गए हैं उनके अंदर एक आदेश सरकार ने निकाला है, कार्यालय में उपस्थिति देंगे 50%, यानी कि जो 100 लोग हैं तो उसमें से 50% कार्यालय में उपस्थित देंगे, और 50% जो लोग हैं कार्मिक हैं वो घर पर बैठकर सरकार का काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, उनकी ड्यूटी जो है वो वर्क फ्रॉम होम के तौर पर कर दी गई है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम का स्पष्ट आदेश सरकार ने दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने कहीं जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि आपको घर पर बैठ के भी काम करना है, ये स्पष्ट आदेश है। इसके लिए सरकार ने साफ कहा कि इसकी कोई भी अवहेलना अगर करता है तो उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई जो भी संभव है वो विभागीय कार्रवाई होगी। धारा 144 पूरे राजस्थान में लगा दी गई है, लेकिन इसके अंदर भी एक ललित बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आज हमको शहर में नजर आई, राजस्थान से भी जगह जगह से हमको खबरें आई हैं, सूचनाएँ हमारे पास आई हैं कि लोग चाय की थड़ियों पर, रेस्टोरेंट पर, यहाँ पर जाकर बैठ रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों को वहाँ नहीं बैठना चाहिए, टेक अवे का ऑप्शन उनको यूज़ में लेना चाहिए, होम डिलीवरी उनको लेनी चाहिए अपने घरों के अंदर। जब प्रधानमंत्री बता रहे हैं पूरी दुनिया इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार है, तो हम लोग जब पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे नौजवान साथी जब पढ़े हुए लोग हैं, मुझे लगता है कि उनको चाय की दुकानों पर या फिर बिना वजह उनको घूमने के लिए नहीं निकलना चाहिए और उससे उनको बचना चाहिए। सड़कों पे, हाँ ये बात बहुत ज़रूरी है, सड़कों पे आज बहुत भीड़ देखी गई है, हमने भी देखा है, कई बार हम सड़क पे निकले हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो कि वे मतलब घूम रहे हैं, चौपाटी वगैरह पे भी काफ़ी भीड़ देखी गई है, जिनका कोई ज़रूरी नहीं था, जैसे बार बार प्रधानमंत्री के द्वारा, अलग विभागों द्वारा बात कही जा रही है, तो इस संदर्भ में और क्या कार्य करने की आवश्यकता है? देखिए, जैसा कि प्रधानमंत्री का जब आज भाषण शुरू हुआ ना, तो उसमें सबसे पहली ही चीज़ ये थी कि हमने निश्चिंत नहीं होना है, हमने विस्फोट की स्थिति अगर हमारे यहाँ नहीं है तो हमें निश्चिंतता नहीं बरतनी है। आपने कभी सोशल मीडिया पे भी आज खोल के देखिएगा,
इस बीमारी तक को लेकर काफ़ी मीम प्रचलित हो रहे हैं और मजाक तक उड़ाया जा रहा है, लेकिन जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं और लोगों को ध्यान में भी रखना चाहिए कि बेवजह बाहर ना निकलें या फिर किसी भी बिना कारण से इधर उधर घूमने ना जाए। क्यों? क्योंकि हम निश्चिंत नहीं हो सकते इस चीज़ को लेकर कि हमारे यहाँ लेवल वन की स्थिति है तो हम निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ जिक्र किया कि स्थिति बिगड़ते इसमें वक्त लगता ही नहीं है। तो इसीलिए निश्चिंतता जो है ना, हमारे जो युवा आप कह रहे हैं जैसे थड़ियों पे लोग बैठे हैं बेवजह अभी भी घूमने आ रहे हैं, चौपाटियां जाके देखिए खाली नहीं पड़ी हैं, चौपाटी पे लोग घूम रहे हैं, तो इस चीज को लेकर हम निश्चिंत हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आसपास कुछ नहीं है, सब माहौल वैसा ही नॉर्मल लग रहा है, तो हम उसको एज अ नॉर्मल बड़े नॉर्मल तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। भले हम टीवी पे देख के सोच लेते हैं गंभीर स्थिति है, पर हम उसे ट्रीट नॉर्मल कर रहे हैं। ये हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं, वास्तव में ये संकट काल है, सिर्फ शायद बातें ही हो रही है, इस पे कार्य नहीं किया जा रहा आम जनता के द्वारा। नहीं, सरकारों द्वारा काम मुझे दिख रहा है, सरकार काम कर रही है, सरकार आपको सजग भी करने की कोशिश कर रही है कि सजग हो जाइए जनाब, इतनी स्थिति नॉर्मल नहीं है। लेकिन द्वारा नहीं किया जा रहा, मतलब बातें तो आम जनता हर किसी के मुंह पे यही नाम है कोरोना कोरोना, परंतु जितना उनको सजग होना चाहिए वो उतना जनता नहीं है। आज आप भी घर आए होंगे, घर से आए होंगे, हम भी घर से आए, हमने कहीं रास्ते में जरा सी भी भीड़ कमी देखी कि भाई भीड़ में थोड़ी कमी आई हो, लोग बच रहे हो बेवजह जाने से, चौपाटी भरी पड़ी है, आप देख क्या जी। हम निश्चिंत हैं कि नहीं सब स्थिति नॉर्मल है, बट हमें यही सूचना लोगों तक पहुंचानी है कि वास्तव में संकट काल है, आप संभलिए थोड़ा जनाब। देखिए ये यही बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, और एक एक चीज़ और निकल के अभी सामने आ रही है, जो अभी बैठक हुई सीएमओ के अंदर, चिकित्सा मंत्री ने बैठक की और उसके अंदर एक बात निकल के आई कि निमोनिया के जो केसेस हैं, निमोनिया के जो केसेस प्रदेश के अंदर हैं, उन केसेस की भी जानकारी ली जा रही है, मांगी जा रही है रिपोर्ट कि भाई निमोनिया के जो मरीज़ आएँ उनकी भी जानकारी सरकार को दी जाए, जिससे कि उनको भी हो सकता है कि सरकार को लग रहा हो कि ऐसा कुछ सिम्टम्स बन रहे हो। और एक एक चीज़ और आ रही है कि प्रदेश में धारा 144 तो लागू है, लेकिन जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि लोग घूमने निकल रहे हैं, ऐसी ही एक चीज़ हमको कुछ सीमेंट प्लांट से भी आ रही है, जहाँ दो दो पाँच पाँच हज़ार वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार वहाँ पे जो निजी फैक्ट्रियाँ हैं उनके ऊपर किसी प्रकार से लगाम नहीं लगा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी जगह पर मुझे लगता है कि ऐसी फैक्ट्रियों पर तुरंत प्रभाव से प्रशासनिक अधिकारियों को धारा 144 की कड़ाई से पालना करवाना चाहिए। मेरा भी सवाल की तरह देखिए इसे कि जब धारा 144 लागू है तो ये इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो कौन इसका पालन करवा रहा है? देखिए मुझे लगता है कि सरकार अभी सरकार अभी उस कड़ाई की स्थिति में नहीं गई है कि जो कठोरता के साथ में पालना कराए, पहले समझाइश की कोशिश है। जैसे आज कुमार राष्ट्रदीप अजमेर के जो एसपी हैं उन्होंने दिशा निर्देश थाना अधिकारियों को दिए और उसके बाद थाना अधिकारी निकले लोगों से मिलने, जागरूकता एक तरीके से पैदा की, तो शुरुआती दौर में मुझे लगता है कि जागरूकता की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि लोग समझ जाएं अपने आप से। जब नहीं समझेंगे, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री आज अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि अगर हमको ऐसा लगा तो हम लोगों पर कड़ाई भी कठोरता के साथ एफआईआर भी दर्ज करेंगे, तो मुझे लगता है राज्य के अंदर भी अपने राजस्थान में भी ये स्थिति बने, लेकिन ना बने इसके लिए मुझे लगता है कि लोगों को पहले ही सचेत हो जाना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, अपने घर पर रहना चाहिए। निजी संस्थानों की आपने बात करी तो अजमेर में भी कई ऐसे निजी संस्थान हैं अलग 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 क्षेत्रों में कार्य करने वाले, वहाँ पर हमने आज भी देखा है कि कई लोग काम पे गए हैं, और जहाँ पर ऐसे ऐसे कई संस्थान हैं जहाँ पर जगह कम होने के पास पास बैठे हुए कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए सरकार को अब क्या स्थिति आ चुकी है कि क्या उनको काम करते रहने देना चाहिए या फिर सरकार को तुरंत इन संस्थानों पे भी इनके लिए भी कोई नियम निकालने चाहिए? देखो इसके लिए जब डीमार्ट जैसे संस्था का हम जिक्र कर लेते हैं, सुबह ही हमने खबर को ऑन एयर किया जब किशनगंज थाना के जो अधिकारी हैं जब वो डीमार्ट गए तो वहाँ पर नज़र आया कि डीमार्ट के कर्मचारियों ने मास्क तक नहीं पहने थे। उस पर हमने स्टोरी ऑन एयर भी की, हमने कई सवाल भी किए कि इस तरीके से डीमार्ट के कर्मचारी अगर लापरवाही खुद बरतेंगे, जरूरी ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पर अगर लापरवाही बरती जाएगी तो संक्रमण फैलने में देर नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि निजी संस्थाओं के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत बारीकी से मॉनिटरिंग रखनी चाहिए इनके ऊपर, इनके थाना अधिकारी निगम के जो कर्मचारी हैं उनको नज़र रखनी चाहिए, उनके माध्यम से नज़र रखनी चाहिए और रिपोर्ट लेनी चाहिए तुरंत प्रभाव से सरकार को कि अगर ऐसे कहीं भी निजी संस्थाएँ खुली हैं
तो क्या वो इससे लड़ने के लिए, इससे बचाव के लिए कोई काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर लापरवाही बरत रहे हैं? एक मुझे भी लगता है कि जरा मॉल और कोचिंग संस्थान को भी देखना चाहिए, शायद वो उनकी कुछ स्थिति पूरी क्लियर नहीं है, वो शायद अभी भी कुछ कोचिंग संस्थान और मॉल शायद खुले हुए हैं अजमेर में, मुझे जहाँ तक ध्यान है। ऐसा भी सुनने में आया है, कई हमारे मैसेज भी आए हैं ऐसे कि जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर बच्चों की तो छुट्टी कर दी गई है, कॉलेज हो या फिर स्कूल्स हो, परंतु जो उनके कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है काफ़ी सारे ऐसे, उनके जो कर्मचारी हैं उनको अभी भी बुलाया जा रहा है, उनसे कार्य मतलब किसी ना किसी रूप से उनको व्यस्त किया जा रहा है कार्य में। कि तो इसके संदर्भ में देखिए ललित, सबसे आखिरी बात मैं कहूँगा कि ये वो समय है जब आपको अपनी देशभक्ति दिखानी है, राष्ट्रभक्ति आपको दिखानी है। इस समय देश कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रहा है, ये वक्त है कि आप अपनी देशभक्ति दिखाइए कि आप अपने देश के प्रति कितना जुनूनी है। और इसके लिए अगर आपको अपने कोचिंग बंद करने पड़ रहे हैं, आप दीजिए ना, आप अपनी क्लासेस को बच्चों को घर बैठे प्रोवाइड कराइए ना। जब डिजिटल इंडिया की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी बात की है, तो क्यों ना, हमने देखा है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अजमेर के एक इंस्टीट्यूट है, आईपीए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अपनी क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया है। तो मुझे लगता है ऐसी कोचिंग जितने भी संस्थान हैं वो देश की भावना को समझें और इस समय राष्ट्र के प्रति अपना योगदान दिखाएं कि वो राष्ट्र के प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ है। एक दो कॉलेजों के बारे में भी शायद ऐसा आया था कि वो भी अपनी क्लास मैंने क्या क्या ललित कि देश के प्रति देशभक्ति दिखाने का ये वो वक्त है। जरूरी नहीं है कि सीमा पे खड़े होकर आपको बंदूक उठानी पड़े और दुश्मनों से लड़ना पड़े। इस समय देश की सरकार जब लोगों से अपील मांग रही है, जनता कर्फ्यू जैसा शब्द का उपयोग जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है जनता के लिए जनता द्वारा, तो ये सही समय है जब आप अपनी राष्ट्रभक्ति देशभक्ति देश को दिखाइए। नहीं, वो मेरे को आप जो कह रहे हैं ना कॉलेज की स्टूडेंट्स की छुट्टी कर दी गई है, बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, तो एक्चुअली जो कॉलेज है प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहाँ है कि गवर्नमेंट गैदरिंग नहीं होने देना चाहती, तो स्टूडेंट्स की संख्या ही तो ज़्यादा होती है, शिक्षक तो बहुत ही नियम कुछ संख्या में होते हैं, तो उसमें कोई गैदरिंग की शायद प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती। और वो सेवा में है तो उनको किसी और इम्पोर्टेंट काम में लगाया जा सकता है, शायद इस वजह से गवर्नमेंट ने शिक्षकों पर पाबंदी नहीं, उनकी छुट्टियाँ नहीं करी हैं, बट गैदरिंग जो बच्चों से होती है उसको पूरी तरह रद्द। और प्रमुख क्या दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं जिनकी पालना करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा दिखने में आ रहा है कि सरकार निरंतर कोशिश कर रही है लोगों तक अपना संवाद करने की, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की, परंतु उतना लोगों में सतर्कता नहीं है, तो इस संदर्भ में और किस तरह से कार्य करने की आवश्यकता? मैं आपको स्पष्ट मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं वो हूबहू आपको बता रहा हूँ, दर्शकों को भी अपने बता रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर आदेश दिए हैं कि भाई स्पा क्लब बार पूरी तरीके से बंद रहेंगे और इनको बंद करना पड़ेगा, ये निर्देश है मुख्यमंत्री का। निजी फैक्ट्रियों में वर्क फ्रॉम होम लागू हो, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, कई निजी फैक्ट्रियां खुली हुई हैं प्रदेश के अंदर, उसमें उन्होंने कहा है कि श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी निजी फैक्ट्रियों कार्यस्थल पर स्वच्छता और कोरोना से बचाव के आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के लिए पाबंद करें। साथ ही उन्हें यह भी एडवाइजरी जारी की जाए कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा और सवैतनिक वेतन के साथ अवकाश दिया जाए। इस बात का भी जिक्र किया है, क्योंकि आज एक ये भी चीज़ देखने में आई, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो शादी समारोह शादी के आयोजन जो होने हैं, धार्मिक आयोजन होने हैं, इन सभी को रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए कुछ समयों के लिए, और ऐसा संभव है, देश को करना चाहिए ऐसे वक्त के अंदर। और धार्मिक आयोजन की बात जब आती है तो आज दरगाह को लेकर भी बैठकें हुई हैं, अभी उसका क्या फैसला आया ये अभी जब मालूम पड़ेगा मीटिंग खत्म होने के बाद में, तब हम बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कि वाकई क्या फैसला हुआ। लेकिन मुझे लगता है जैसे ब्रह्मा जी का मंदिर इस समय बंद कर दिया गया है, तो उम्मीद मुझे लगता है कि आस्था घर में भी नमाज पढ़ी जा सकती है, घर में भी पूजा की जा सकती है किसी भगवान में, तो धार्मिक आस्था को मुझे लगता है कि अगर आप जिंदा बचेंगे तो ही शायद भगवान की पूजा कर पाएंगे, जब बचेंगे नहीं तो भगवान की क्या आराधना करेंगे। बिल्कुल, आपका क्या कहना है? देखिए, धार्मिक आस्था का प्रश्न जो है ना वो आदमी का निजी प्रश्न होता है, और निजी तौर पर जब प्रधानमंत्री आपसे कह रहे हैं कि आप घर से बाहर मत आइए, सरकारें आपसे कह रही हैं कि आपको घर से कम निकलना है, तो आपको वैसे ही नैतिक तौर पर उस चीज़ का पालन करना चाहिए। और मुझे लगता है जहाँ तक लोग हमारे देश के हैं वो इसका पूरी तरह पालन करेंगे। मुझे जैसे 22 तारीख के जो लॉकडाउन है उसमें भी कोई संशय की स्थिति मुझे नहीं लगती है, पर्सनली जो मैं बताऊँ कि मुझे लगता है कि लोग इतना तो मानते ही हैं, सरकार की भावनाओं को समझते हैं, सरकार के फैसलों पे भी नज़र रखते हैं, बहुत समझदार किस्म की जनता यहाँ निवास करती है, तो कोई ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन ख़राब होने की आएगी, पूरी तरह से लॉकडाउन होगा
और अच्छी तरह से इस कोरोना से पूरा देश मिलकर लड़े। अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा, एमडीटीवी इंडिया के संपादक के रूप में मैं एक बहुत जरूरी, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कैसी स्थिति है और उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आते हैं, जो हमारे सहयोगी साथी जो ग्राउंड से रिपोर्ट हमको भेजते हैं, उसी स्थिति का मैं जिक्र करूंगा कि लोग अपने घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा नहीं निकलें। आप अनावश्यक ट्रैवलिंग ना करें, कहीं घूमने ना जाएं किसी प्रकार से। मुझे लगता है कि सही मौका है देश हित में आपको अपनी देशभक्ति दिखाने का, आपको दिखानी चाहिए। राष्ट्र के साथ मिलकर जो चुनौती इस वक्त दुनिया झेल रही है, उससे लड़ने का इस वक्त हमारे पास में ये सही मौका है, और हमको दिखाना है कि हम किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती से, भारत इकलौता ऐसा देश है जो दुनिया में ऐसी चुनौतियों से निपट सकता है। हाथ अपने लगातार धोते रहिए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए, और घर में अगर हैं तो मुझे लगता है कि वर्क फ्रॉम होम आपको करना चाहिए अगर आप घर से काम कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि थोड़े दिन अपने घर पर ही आपको रुकना है। कोई भी सूचना है, कोई भी फेक न्यूज़ है, तो आप एमपीटीवी इंडिया के व्हाट्सअप नंबर पर, फेसबुक पेज पर, सब जगह आप दे सकते हैं हमको। और कोशिश कीजिए कि मीडिया में आने वाली जो सूचनाएँ हैं उन्हीं को आप देखें। व्हाट्सअप के ऊपर जो आपके पास सूचनाएँ आती हैं, जो झूठी कोई भी किसी प्रकार से आपको वायरल करता है, उन अफवाहों से बचें, क्योंकि इस समय अफवाहें जो हैं वो रोकना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये थे हमारे साथ एमडीटीवी इंडिया के दो प्रमुख कार्य करने वाले, हमारे साथ एक एडिटर और हमारे जो प्रमुख एंकर हैं। इसके साथ ही एक बहुत इसी संदर्भ में मुझे एक लाइन याद आ रही है कि यूनान मित्र रोमा सब मिट गए, यहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और ये हस्ती नहीं मिटने का कारण वही हमारा संकल्प और संयम है जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बात की गई है। हमारी कोशिश यही है कि, और जो भी संदेश दिया गया है कि हम जो अजमेर की जनता है, देश की जनता है, वो इस चीज़ को समझे कि बाहर नहीं निकलना है और पैनिक की स्थिति ना उत्पन्न करे और ध्यान रखे अपना, और जो सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश है उनका जरूर से पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।